Dear all students, today in this class I discuss the chapter of polynomial. What is polynomial and definition of polynomial? आज ये polynomial discuss करेंगे. Polynomial के बाद discuss करने के बाद इसका definition, इसका type, इसका graph ये discuss करने के बाद next exercise start करेंगे. First पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ. देखो एन एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ, एन एक्सप्रेशन नोट कर लो. एन एक्सप्रेशन किसी एक एक्सप्रेशन किस क्या एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन क्या है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन क्या है ना एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एक फॉर्म ले लेते हैं. इसको ले लेते हैं पी एक्स. व्हाट इज पी एक्स ना पी एक्स एक्सप्रेशन है. व्हिच एक्सप्रेशन दिस इक्वल्स टू लिख दिया मैंने ए जीरो प्लस ए वन एक्स स्क्वायर सॉरी ए जीरो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 करते करते ऐसे ही चल रहे लास्ट तक मैं लिख दिया प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन. ए एन मतलब ये नीचे एन है. तो ऐसा एक फॉर्म है ये एक्सप्रेशन. इस टाइप का पॉलिनोमियल क्लास 9 में भी था. क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल है थोड़ा अलग टाइप का कराएंगे बट वो डेफिनेशन तो सेम ही है. जो ये इस टाइप का एक कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इन टू एक्स कॉन्स्टेंट इन टू एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट इन टू एक्स क्यूब देन प्लस डॉट कॉन्स्टेंट टू एक्स टू द पावर एन एन इज द हाइस्ट पावर एंड एक्सप्रेशन जिसका ये एक्सप्रेशन का जिस जो एक्स का हाइस्ट पावर होगा वही होगा एक्सप्रेशन का और पॉलिनोमियल का डिग्री. वो मेरे बात में दिखा रहा हूँ. फिर इज एन एक्सप्रेशन का फॉर्म दिस इज कॉल्ड दिस व्हेयर लिख देते हैं व्हेयर एन नॉट इक्वल्स टू जीरो. दैट मीन जो टर्म फर्स्ट से स्टार्ट होगा उसका टर्म ये वाला जीरो नहीं होना है. जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन नहीं होगा तब तो इसका पावर नहीं रहेगा जीरो हो जाएगा. फिर दिस नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वन वेरिएबल मतलब दैट्स मीन एक ही वेरिएबल है इधर वो है एक्स. एक्स का एक एक्सप्रेशन है. एक्स का एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्रेशन है. जो एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं वो एक्सप्रेशन वन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन. तो अभी मैं बोल रहा हूँ जो वेरिएबल होगा उसका हाइस्ट पावर जो होगा वही होगा एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ डिग्री एन व्हेयर ए जीरो ए वन ए टू डॉट 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 एन आर एनी कॉन्स्टेंट. ये वाला एनी कॉन्स्टेंट है आर कॉन्स्टेंट्स ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है. वो हो सकता है 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. एंड दे आर कॉल्ड द कोफिशियंट ऑफ इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं एंड दे आर कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ एक्स जीरो. यहाँ एक्स जीरो तो नहीं है यहाँ तो ए जीरो एक्स जीरो नहीं दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है एक्स जीरो नहीं दिया. कोफिशियंट ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन इसका कोफिशियंट है ये ए जीरो कोफिशियंट ऑफ ए जीरो एक्स सॉरी एक्स वन नहीं एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन सॉरी एक्स टू दी पावर जीरो एक्स टू दी पावर वन एक्स स्क्वायर
इसका कोफिशियंट है ये, एक्स टू दी पावर जीरो मतलब वन, वन का कोफिशियंट है इधर वन, ये जीरो। तो ये था पॉलीनोमियल का डेफिनेशन, ईच पावर ऑफ एक्स इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ईच पावर ऑफ एक्स, ये एक नोट करके रखो, जो ईच पावर ऑफ एक्स, ईच पावर ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट्स मीन एक्स की जो पावर होगा ये इंटीजर होना है, फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन होने से नहीं होगा, हाफ हो गया, ये एक पॉलीनोमियल है नहीं। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होना है, नॉन नेगेटिव का मीनिंग्स होता है जीरो से स्टार्ट होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मीनिंग होता है जीरो वन टू थ्री फोर करते आएगा, ऐसे इधर पॉजिटिव इंटीजर बोल देते तो पॉजिटिव में जीरो तो नहीं आते, क्योंकि इंटीजर है थ्री टाइप्स का, एक नेगेटिव, एक जीरो, एक पॉजिटिव, और जीरो और पॉजिटिव लेके डायरेक्ट लिख दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव नहीं है, जीरो और पॉजिटिव दोनों आएगा इसमें। तो इस ये एक्स का पावर ये होगा तब होगा इंटीजर, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल, जैसे टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन, इसे पॉलिनोमियल, इसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, इसे पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, क्योंकि एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वही है पॉलिनोमियल का डिग्री, दैट इज हाईएस्ट पावर है डिग्री टू, दैट इज इसका डिग्री होगा टू। बट रूट एक्स प्लस थ्री इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है नहीं, क्योंकि एक्स का पावर है हाफ, दैट इज ये कंडीशन जो है, मैं जो कंडीशन दिया था कंडीशन को रिपेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इच पावर ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखो ये वाला होल्ड नहीं कर रहा है, एक्स टू दी पावर हाफ है यहाँ, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्लियर। और एक ही एग्जांपल है, जैसे वन बाई एक्स प्लस वन, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, जैसे लिख दिया भाई वन बाई एक्स प्लस वन, वन बाई एक्स प्लस वन कैसे होगा पॉलिनोमियल, क्योंकि वन बाई एक्स को एक्स जब अप पे जाएगा ना, जैसे मैंने बोल दिया जो वन बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू जो, दिस इज पॉलिनोमियल नॉट, बिकॉज दिस एक्स रिटन एज एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस जीरो, दैट इज ये इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है नहीं, ये नेगेटिव इंटीजर है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट डिस्कस करना है जो पॉलिनोमियल का जो टाइप है उसका टाइप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है, जैसे हम लोग ऐसे बोल रहे हैं इसको, जैसे ये पॉलिनोमियल एक फॉर्म में लिख रहा हूँ, इधर देखो ये पॉलिनोमियल स्टार देख लिख रहा हो, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये डिग्री क्या है इसका, वन है, दैट इज ये डिग्री वन, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, तो दिस इज कॉल्ड लिनियर पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड लिनियर पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड लिनियर पॉलिनोमियल। ऐसे एग्जांपल दे देते हैं फाइव एक्स प्लस थ्री, कुछ भी दे दे इस टाइप का, टू एक्स, ये है लिनियर पॉलिनोमियल का टाइप। नेक्स्ट लिनियर पॉलिनोमियल के बाद मैं टाइप दे रहा हूं डिग्री टू वाला, डिग्री टू वाला, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, दिस इज ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, दिस कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
This is called quadratic. Quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए हाईएस्ट पावर होगा इसका 2, इसलिए डिग्री उसका होगा 2. ये है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. सेकंड है, थर्ड टाइप, जब क्यूब हो जाएगा, जब क्यूब हो जाएगा दैट इज डिग्री 3 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल. दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल. अच्छा लिख देते हैं इसी, ये पॉलिनोमियल रिटन एज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर. जस्ट क्यूब हाईएस्ट पावर है, ए एक्स क्यूब के बाद ये ओमिट है, ए एक्स क्यूब बाद डी.